अलीशा मैडम हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम अंदर की ना नमस्कार आलू। मेरा नाम अलीशा खान है, मैं पेशे से ब्यूटी एडवाइज़र एंड मेरे को सोशल वर्क करना बहुत पसंद है। तो आज मैं इस एनजीओ से ज्वाइन हो रही हूँ ग्लोबल सोशल एंड वेलफेयर से एंड फाउंडेशन से, और खलील परवेज साहब को मैं जानती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अर्से उनका काम भी मैंने देखा है। तो आई एम वेरी प्राउड टुडे कि काफ़ी लोगों के सपोर्ट से आज मेरे को यहाँ प्रेसिडेंट चुना गया। तो मेरे जहन ऐसे भी, और मैं चाहूँगी कि हमारी यूनिट के साथ मिलकर मैं कुछ अच्छा करूँ। कितने साल से कर रहे हैं सोशल वर्कर आप? मैं फ्रॉम 99 से जी। लास्ट टाइम शायद आप बेटी रक्षा दल में थे। जी हाँ, मैं बेटी तो रक्षा। उसको छोड़ने का कारण क्या है? छोड़ने का कारण तो नहीं बोल सकते, अभी मैंने रिज़ाइन तो दिया नहीं है, लेकिन वहाँ हम कुछ कर रहे नहीं थे, खाली मतलब जो भी करते थे, हमारा मेन ऑफिस करता था, हम लोग खाली आके कहीं स्पीच। तो मेरे को था कि मैं कुछ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, जैसे होता है गरीबों की हेल्प है, जहाँ से भी फंड आना है, लेना है, जो भी करना है, क्योंकि हमको आगे बढ़ के मोटिवेट करना है। तो जो सिद्दीकी सर थे, खैर उनसे तो हम पर्सनली मिल नहीं सके, एक बार मिले जब ओपनिंग हुआ, बाद में हमारे यहाँ के प्रभा अधिकारी गौस साहब हैं और एम ए खान साहब हैं, उनके अंडर में हम लोग जाते थे, मीटिंग्स होती थी। बट एक साल के अंदर मुझे लगा मैं कुछ भी नहीं करी, खाली अपना फ़ोटो दे के आई हूँ पोजेस, तो उस हिसाब से फिर मैंने इन लोगों को ज्वाइन किया। और ग्लोबल वेलफेयर एसोसिएशन ज्वाइन करने का आपका मकसद क्या है? मुझे प्लस पॉइंट पहले ये है, ये गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, और इसके अंदर हमारे को इतना गारंटी है कि हम काम करेंगे तो आगे मुकाम ज़रूर देगा, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी मदद करती है जो मेहनत करते हैं। तो हमारे अंदर मेहनत का हौसला है, अभी तक फैमिली को देखते रहे, आज खाली हैं तो चाहेंगे कि दुनिया में हम कुछ कर सकें,
तो इसीलिए आज मैं कदम उठा के आई हूँ और मुझे पूरी मतलब वो है, कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ करके बताऊंगी इंशाल्लाह। तो अभी जो आप इसमें ज्वाइन हुए, आपके टीम के साथ हुए या आप अकेले ज्वाइन हुए? नहीं, मैं मेरी टीम के साथ ज्वाइन हुई। मेरे पांचों ये बहनें हैं, आसमा जी हैं, खुदूसिया जी हैं, आयशा जी हैं और निखत जी हैं। हम पांचों हमारी एक मुट्ठी बांध के ज्वाइन होंगे इंशाल्लाह, आगे बढ़ के बता देंगे। अगर हम पाँच लेडीज़ देखें तो कुछ भी कर सकती है औरत इंशाल्लाह। मेरा नाम निखत है, मैं जो है सो ये वेलफेयर एसोसिएशन फाउंडेशन के लिए ज्वाइन हुई हूँ आज ही, और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला जितना हो सके हम लोग अपने गरीब भाई बहनों के लिए कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कुछ करके वो लोगों को भी अपने स्टैंडिंग पे ठहराएंगे इंशाल्लाह ताला। और जहाँ तक अगर ये बहनों का भी साथ रहा तो इंशाल्लाह ताला हम लोग बहुत कुछ करेंगे। कोशिश तो यही है एसोसिएशन ज्वाइन करने की कि कुछ सोसाइटी के लिए और कुछ गरीबों के लिए हम अपनी तरफ से जितना हो सके उतना करके वो लोगों को अपलिफ्टमेंट, उन लोगों की एज ए सोशल अपलिफ्टमेंट उन लोगों का ज़रूर करेंगे। और जो है सो जहाँ तक हो सके हम लोग इतना उन लोगों को हेल्प करेंगे। और जो है सो वो भी बहुत गरीबों को हेल्प करते थे, तो उनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली। और मैं भी चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में रह तक अपन कुछ ना कुछ गरीबों के लिए कुछ करके अपनी लाइफ भी इंशाल्लाह ताला आखिरत भी अच्छी करेंगे बोल के, तो इंशाल्लाह ताला बहुत करेंगे ये सोसाइटी के थ्रू। और चेयरमैन साहब जितने भी यहाँ के जितने मेंबर्स हैं सबकी अगर हेल्प मिलेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम बहुत कुछ करेंगे ग्लोबल सोसाइटी के थ्रू। मेरा लक्ष्य ये है कि मैं जहाँ तक हो सके अपने गरीब तबका के जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं और जो ज़यीफ़ है, वो लोगों को जहाँ तक हेल्प हो सके, मेडिकल एड हो या चाहे जो हेल्प हो, वो लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला हम लोग कोशिश करके वो लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ये ख्वाहिश है बहुत जी। तक कितने हेल्प, कितनों को हेल्प किया अभी आपको? ऐसा तो मैं कोई खास सोसाइटी के थ्रू जाके हेल्प नहीं की हूँ, अब ये मेरा फर्स्ट टाइम प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मैं फाउंडेशन ग्लोबल के थ्रू मैं कर रही हूँ। ये सिर्फ हमारे घर के पास जो और हमारे बहनों के ख़ानदान के जो रहते थे वो गरीबों के लिए बहुत कुछ करे हैं इंशाल्लाह ताला। एज ए प्लेटफॉर्म अब ये मिला है ग्लोबल के थ्रू, एसोसिएशन के थ्रू, इंशाल्लाह ताला अच्छा ही करके दिखाएंगे हम लोग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नेनु ना पेरु आयशा, నేను ఈరోజు ఇక్కడ జనరల్ సెక్రటరీగా అపాయింట్ చేశాను నన్ను. చాలా సంతోషంగా ఉంది. చైర్మన్ గారికి చాలా కృతజ్ఞతలు. నా కమిటీ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా చాలా కృతజ్ఞతలు. నేను ఇంతకుముందు కూడా చేశాను ఒక ఆర్గనైజేషన్లో, కానీ ఇక్కడ నా లోపల చాలా రోజుల నుంచి ఒక ఆశ ఉంది. ఏంటంటే సమాజానికి నా తరఫున ఏదైనా చెయ్యాలని. ఇక్కడ ఈరోజు నాకు ఇక్కడ ఒక ప్లాట్ఫామ్ దొరికినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇక్కడ నుంచి నేను కూడా చాలా ఏదో చేయాలి, చేసి నిరూపించాలని. ప్రస్తుతం అయితే నేను కమ్యూనిటీలో కొంతమంది అక్కడక్కడ ఏరియాలో కొన్ని ఏరియాలు సెలెక్ట్ చేసుకొని అక్కడ అందరినీ కమ్యూనిటీగా ఒక దగ్గర జమ చేసి వాళ్ళకి అవేర్నెస్ అనేది కలిగిస్తున్నాను. ఇప్పుడు గ్లోబల్ సోషల్ అండ్ వెల్ఫేర్ ఫౌండేషన్లో మీ పోస్ట్ ఏమి ఇచ్చారు మేడం? జనరల్ సెక్రటరీ పోస్ట్గా నన్ను నియమించారు. తెలంగాణ హైదరాబాద్ మొత్తం లేడీస్ వింగ్లో, గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో మొత్తం లేడీస్ వింగ్కి నన్ను అపాయింట్ చేశారు. చాలా సంతోషంగా ఉంది. నేను ఏదన్నా సమాజానికి చేసి నిరూపించాలని అనుకుంటున్నాను. మతుల్లాహి బర్కాతు. మేరా నామ్ ఖుద్సియా సుల్తానా హై. మై గ్లోబల్ వెల్ఫేర్ సొసైటీకి వైస్ ప్రెసిడెంట్ చునీ గే హూ, ఫౌండేషన్కి వైస్ ప్రెసిడెంట్ చునీ గే హూ. मैं आज तक इंडिविजुअल काम करती थी, आज मुझे ग्लोबल वेलफेयर में ज्वाइन होकर बहुत बहुत खुशी हुई. एक मुकाम मिला मुझे. मैं खलील भाई का, आलिशा आंटी का और तमाम मेम्बरान का मैं शुक्रगुजार हूँ इस फाउंडेशन के लिए मुझे चुना गया है.